हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रॉग और चिक की एम्ब्रियोलॉजी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और एक क्वेश्चन फ्रॉग की एम्ब्रियोलॉजी से या फ्रॉग के डेवलपमेंट से लिया गया है। तो आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फोर लिम्स ऑफ मेल फ्रॉग वेल डेवलप पैड्स आर फाउंड फॉर क्लैस्पिंग द फीमेल एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन इज कॉल्ड फ्रॉग। मेल फ्रॉग के फोर लिम्स पर जो वेल डेवलप अच्छी तरीके से विकसित जो पैड्स पाए जाते हैं, जो कॉपुलेशन के दौरान कॉपुलेशन के समय में फीमेल को पकड़ने में मदद करता है, तो ऑप्शन ए है वो कहलाता है। ऑप्शन ए है नॉप्टियल पैड, ऑप्शन बी है ट्यूब्रोस्टीज, ऑप्शन सी है सुचियल पैड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मेल फ्रॉग के फोर लिम्स पर जो पूरी तरीके से विकसित एक पैड्स पाए जाते हैं ये कॉपुलेशन के दौरान फीमेल को पकड़ने में मदद करते हैं, ये कहलाते हैं नॉप्टियल पैड्स। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए नॉप्टियल पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फ्रॉग फर्टिलाइजेशन इज, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, फ्रॉग में निषेचन होता है। ऑप्शन ए इंटरनल, ऑप्शन बी एक्सटर्नल, ऑप्शन सी बोथ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मेटल में जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग इज, मेंढक में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो मेंढक में जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है, मीन्स इसमें इनके डेवलपमेंट में लार्वा इन्वॉल्व होता है और मेंढक के लार्वा को टैडपोल लार्वा कहा जाता है। तो जिसमें लार्वा का डेवलपमेंट होता है, जिस डेवलपमेंट में लार्वा इन्वॉल्व होता है, उस तरीके का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जाइगोट ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग के जाइगोट में क्रोमोसोम डिप्लाइड क्रोमोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन है 22, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी 25। तो जो मेंढक के जो जाइगोट में जो डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या होती हैं, या डिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो मेंढक के जाइगोट में पाए जाते हैं उनकी संख्याएं होती हैं 26। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के केस में, मेंढक के केस में फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। ऑप्शन ए है बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी आफ्टर ओविपोजिशन, ऑप्शन डी बिफोर ओविपोजिशन। तो मेंढक के केस में जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लीवेज इन फ्रॉग इज, मेंढक में प्रथम विदलन होता है, क्लीवेज होता है। ऑप्शन ए होलोब्लास्टिक इक्वल, ऑप्शन बी होलोब्लास्टिक अनइक्वल, ऑप्शन सी मेरोब्लास्टिक, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल। तो मेंढक में जो पहला क्लीवेज होता है, जो विदलन होता है, वो होता है होलोब्लास्टिक अनइक्वल। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर बी होलोब्लास्टिक अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्स ऑफ फ्रॉगर मेंढक के अंडे होते हैं। ऑप्शन ए है माइक्रोलेसाइथल, ऑप्शन बी है मेगालेसाइथल, ऑप्शन सी है
एलेसाइथल, और ऑप्शन डी है टेल्यूलेसाइथल। टेल्यूलेसाइथल तो जो मेढक के अंडे होते हैं ये होते हैं टेल्यूलेसाइथल। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी टेल्यूलेसाइथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्टुला ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड मेढक का ब्लास्टुला कहलाता है। ऑप्शन है सीलो ब्लास्टुला, ऑप्शन बी है डिस्को ब्लास्टुला, ऑप्शन सी है होलो ब्लास्टुला और ऑप्शन डी है एम्फी ब्लास्टुला। तो मेढक का जो ब्लास्टुला होता है वो कहलाता है सीलो ब्लास्टुला। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर ए सीलो ब्लास्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन सरफेस ऑफ द ब्लास्टुला ऑफ फ्रॉग कैन बी डिवाइडेड इनटू। मेढक के ब्लास्टुला के पिगमेंटेशन सरफेस पर पिगमेंटेशन के बेस पर डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया जा सकता है। ऑप्शन ए थ्री रीजन, ऑप्शन बी टू रीजन, ऑप्शन सी फोर रीजन, ऑप्शन डी फाइव रीजन। तो मेढक के ब्लास्टुला के सरफेस पर जो पिगमेंटेशन होता है उस पिगमेंटेशन के बेस पर उसको डिवाइड किया जा सकता है। ब्लास्टुला को मीन्स पिगमेंटेशन के बेस पर मेढक के ब्लास्टुला को डिवाइड किया जा सकता है तीन रीजन में, थ्री रीजन में। तो इसलिए इसमें होगा सही होगा ऑप्शन नंबर ए थ्री रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलोम ऑफ फ्रॉग इज मेढक का सीलोम होता है, मेढक की गुहा होती है। ऑप्शन ए ए सीलस, ऑप्शन बी सीडोसीलस, ऑप्शन सी इंट्रोसीलस, ऑप्शन डी साइजोसीलस। तो मेढक की जो गुहा होती है ये होती है साइजोसीलस। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर डी साइजोसीलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीलोम ऑफ फ्रॉग इज ड्राइव फ्रॉम, फ्रॉग के सीलोम उत्पन्न होती किससे। ऑप्शन ए स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म, ऑप्शन बी फ्रॉम आर्केंटेरम, ऑप्शन डी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मेढक की जो गुहा होती है ये उत्पन्न होती है मेजोडर्मल सेल के स्प्लिटिंग होने से। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर मोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ मायोसेल्स कॉल्ड स्क्लेरोटोम्स कंट्रीब्यूट द फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। मायोसेल्स का जो आंतरिक कंपार्टमेंट होता है जो कि स्क्लेरोटोम्स कहलाता है ये किसके निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन ए डर्मिस, ऑप्शन बी मसल्स, ऑप्शन सी वर्टेब्रल स्केलेटन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो मायोसेल्स जो कि आंतरिक कंपार्टमेंट होता है जिसे स्क्लेरोटोम्स कहा जाता है ये मदद करता है वर्टेब्रल स्केलेटन के फॉर्मेशन में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी वर्टेब्रल स्केलेटन। अब कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं चिक की एम्ब्रियोलॉजी से। तो इसमें से चिक की एम्ब्रियोलॉजी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बायबिलिटी पीरियड ऑफ ए कॉक स्पर्म इज। कॉक स्पर्म का बायबिलिटी पीरियड होता है मीन्स कॉक जो स्पर्म होता है कितने समय तक जिंदा रह सकता है। ऑप्शन ए है अबाउट थ्री आवर्स, ऑप्शन बी है अबाउट थ्री डेज, ऑप्शन डी है सी है अबाउट थ्री वीक्स और ऑप्शन डी है अबाउट थ्री मंथ। तो कॉक का जो स्पर्म होता है जो मुर्गी का जो स्पर्म होता है मुर्गे का वो लगभग तीन हफ्ते तक जीवित रह सकता है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी अबाउट थ्री वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ लेइंग द चिक एम्ब्रियो इज इन, अंडे देने के दौरान चिक एम्ब्रियो में होता है, चिक एम्ब्रियो होता है। ऑप्शन ए है टू सेल्ड स्टेज, ऑप्शन बी अर्ली ब्लास्टुला स्टेज, ऑप्शन सी मारुला स्टेज, ऑप्शन डी अर्ली गैस्टुला स्टेज। तो अंडे देने के दौरान जो चिक एम्ब्रियो होता है ये अर्ली गैस्टुला स्टेज में होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी अर्ली गैस्टुला स्टेज। क्वेश्चन है एट द ब्रॉड एंड ऑफ एग
द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज। अंडे का जो चौड़ा भाग होता है, जो समाप्त चौड़ा जो सिरा होता है, भाग जो होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के जरिए कवर्ड होता है, ऑप्शन ए है, वो कहलाता है ऑप्शन ए है एक्सक्रेटरी स्पेस, ऑप्शन बी सर्कुलेटरी स्पेस, ऑप्शन सी एयर स्पेस, ऑप्शन डी न्यूट्रिटिव स्पेस। तो अंडे का जो चौड़ा भाग होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के जरिए कवर्ड होता है, वो कहलाता है एयर स्पेस। एयर स्पेस को अंदर की तरफ जो चौड़ा भाग होता है अंडे का, उसी के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के जरिए जो एक स्पेस कवर्ड होता है, जिसे एयर स्पेस कहा जाता है, इसी के जरिए जो इनमें रिस्पायरेशन की प्रक्रिया अंडे में होती है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी एयर स्पेस। चलाजी फेरस लेयर ऑफ एल्ब्यूमिन इज मेड अप ऑफ। एल्ब्यूमिन का चलाजी फेरस लेयर ये बना हुआ होता है। एल्ब्यूमिन का चलाजी फेरस जो लेयर होता है ये बना हुआ होता है। ऑप्शन है ओबोम्यूकॉइड, ऑप्शन बी है लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी है हाइलोरोडिनेज, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। तो एल्ब्यूमिन का जो चलाजी फेरस जो लेयर होता है ये बना हुआ होता है ओबोम्यूकॉइड का। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए ओबोम्यूकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबम इज सेपरेटेड फ्रॉम एल्ब्यूमिन बाय। ओबम जो कि सेपरेट होता है एल्ब्यूमिन के द्वारा, एल्ब्यूमिन से किसके द्वारा, जो ओबम होता है एल्ब्यूमिन से किससे अलग होता है। ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है डेंस एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो ओबम जो कि एल्ब्यूमिन से सेपरेट होता है, ये सेपरेट होता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट याल्क बीनीथ द ब्लास्टोडिस्क के नीचे जो व्हाइट याल्क होता है, ऑप्शन ए लैटेब्रा, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस ऑफ पैंडर, ऑप्शन सी है नेक ऑफ लैटेब्रा, ऑप्शन डी है जर्मिनल डिस्क। तो ब्लास्टोडिस्क के जो नीचे व्हाइट याल्क होता है वो कहलाता है न्यूक्लियस ऑफ पैंडर। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस ऑफ पैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्टोडिस्क इज यूनाइटेड विद द याल्क मास बाय। ब्लास्टोडिस्क जो कि याल्क मास के जरिए याल्क मास से यूनाइटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है किसके द्वारा। ऑप्शन है एपिब्लास्ट, ऑप्शन बी एंडोब्लास्ट, ऑप्शन सी पेरिब्लास्ट, ऑप्शन डी मेजोब्लास्ट। तो ब्लास्टोडिस्क जो कि याल्क मास से जुड़ा हुआ होता है पेरिब्लास्ट के द्वारा। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर सी पेरिब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ एम्ब्रियो प्रॉपर इज फॉर्म्ड बाय। एम्ब्रियो की जो बॉडी होती है किसके द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन है एरिया ओपेका, ऑप्शन बी न्यूक्लियस ऑफ पैंडर, ऑप्शन सी लैटेब्रा, ऑप्शन डी एरिया पेल्यूसिडा। तो प्रॉपर एम्ब्रियो की जो बॉडी होती है ये निर्मित होती है, बनी हुई होती है एरिया पेल्यूसिडा के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी एरिया पेल्यूसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड बाय। एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक संरचना निर्मित होती किसके द्वारा। ऑप्शन ए है एरिया ओपेका, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस ऑफ पैंडर, ऑप्शन सी है लैटेब्रा, ऑप्शन डी एरिया पेल्यूसिडा। तो एम्ब्रियनिक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक संरचना होती है ये निर्मित होती है एरिया ओपेका से। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर ए एरिया ओपेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंचिक
The incubation period is, chick में incubation period होता है, option A है 14 days, option B है 21 days, option C है 28 days, option D है 35 days. तो chick में जो incubation period होता है, means अंडे से की जो timing होती है वो होती है 21 days. तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी 21 days. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंसन नोट्स इज फॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ प्रिसेम्प्टिव्स. हैंसन नोट का निर्माण किस प्रिसेम्प्टिव सेल्स के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है गट, ऑप्शन सी है किडनी, ऑप्शन डी नोटोकार्ड. तो हैंसन नोट जो कि फॉर्म होती है जो जिस प्रिसेम्प्टिव सेल्स के द्वारा, वो होते हैं नोटोकार्ड. तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी नोटोकार्ड. नोटोकार्ड जो होते हैं इसकी प्रिसेप्टिव सेल्स के जरिए के द्वारा ही हैंसन नोट का निर्माण होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिसेप्टिव स्ट्रीक स्टेज बिगेन आफ्टर. मतलब प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना मीन्स स्टेज किसके बाद बनती होती है? ऑप्शन है 12 आवर्स, ऑप्शन बी है 15 आवर्स, ऑप्शन सी है 18 आवर्स, ऑप्शन डी है 24 आवर्स. तो प्रिमिटिव स्टेज जो होती है ये 18 घंटे के बाद बननी शुरू होती है. तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी 18 आवर्स. हम कह सकते हैं जो प्रिमिटिव स्टेज चिक में होता है वो 18 घंटे के बाद बनना चालू हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट साइन ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन इन द चिक एम्ब्रियो इज द अपीयरेंस ऑफ. मीन्स चिक के एम्ब्रियो में जो पहला जो संकेत होता है, चिन्ह होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन का, वो कब अपीयर होता है, ये किससे प्रदर्शित होता है? ऑप्शन है मेरोब्लास्टिक सोमाइट्स, ऑप्शन बी है एक्टोब्लास्टिक सोमाइट्स, ऑप्शन सी इंडोब्लास्टिक सोमाइट्स, ऑप्शन डी मेरोब्लास्टिक सोमाइट्स. तो चिक एम्ब्रियो में जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का जो फर्स्ट साइन अपीयर होता है ये होता है मेरोब्लास्टिक सोमाइट्स के द्वारा. तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर ए मेरोब्लास्टिक सोमाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर पेयर ऑफ सोमाइट्स आर फॉर्म्ड आफ्टर. फोर पेयर की सोमाइट्स किसके बाद बनती हैं? ऑप्शन है 12 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, ऑप्शन बी है 15 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, ऑप्शन सी 18 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन, ऑप्शन डी 24 आवर्स इंक्यूबेशन. तो जो फोर पेयर से जो सोमाइट्स का निर्माण होता है वो 24 आवर्स के इंक्यूबेशन के बाद होता है. तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन. 24 घंटे अंडे से आने के बाद चार पेयर सोमाइट्स बनती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन ऑफ एरिया पेलुसिडा विदाउट मेजोडर्म. मीन्स एरिया पेलुसिडा का जो रीजन बिना मेजोडर्म के होता कहलाता है? ऑप्शन है मीन्स बिना मेजोडर्म के एरिया पेलुसिडा का रीजन कहलाता है. ऑप्शन है प्री एमनियन, ऑप्शन बी पोस्ट एमनियन, ऑप्शन सी प्रो एमनियन, ऑप्शन डी मेजो एमनियन. तो मेजोडर्म का एरिया जो कि एरिया पेलुसिडा जो बिना मेजोडर्म के होता है ये कहलाता है प्रो एमनियन. तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी प्रो एमनियन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्ब्रियानिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन. एम्ब्रियानिक रेस्पिरेटरी अंग होता है, ऑप्शन ए है एमनियन, ऑप्शन बी कोरियन, ऑप्शन सी एलांटोइस, ऑप्शन डी एल्कसैक. तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट्स के दौरान जो इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है एलांटोइस. एलांटोइस होते हैं इनमें रेस्पिरेशन करने में मदद करती है. तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी एलांटोइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्ब्रियानिक यूरिनरी ब्लैडर. एम्ब्रियानिक यूरिनरी ब्लैडर होता है, ऑप्शन ए एमनियन, ऑप्शन बी कोरियन, ऑप्शन सी एलांटोइस,
ऑप्शन डी यॉल्क सैक। तो यूरिनरी ब्लैडर जो एम्ब्रियनिक यूरिनरी ब्लैडर होता है ये होता है एलांटोइस। एलांटोइस जो होता है ये सर्जन करने में मदद करता है, इसी वजह से इसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी एलांटोइस। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।